फास्ट वे दे प्यारे दर्शकों, डॉक्टर विश्व बंधु दी तुहानू प्यार भरी सत श्रीकार। अज एक बार फिर असी लड़ीवार प्रोग्राम इतिहासिक अमृतसर लैके तुहाडे अगे हाजिर होए हाँ। अज असी तुहानू जानकारी देवांगे अमृतसर च स्थापित महत्वपूर्ण मस्जिदा बारे। तुहानू जान के हैरानगी होएगी कि अमृतसर दे विच छोटियां वड्डियां मिला के 45 तो भी ज़्यादा मस्जिदा ने, लेकिन असी अज गल कर रहे हैं उन्हां तीन महत्वपूर्ण मस्जिदा दी जो हाल गेट तो शुरू होके टाउन हाल तक स्थापित ने, जिन्हां विच जान मुहम्मद दी मस्जिद, सिकंदर खां दी मस्जिद अते खैरुद्दीन दी मस्जिद दे बारे असी गलबात करांगे। धर्म की है? मौलिक सिद्धांत, मॉरल वैल्यूज, मॉरल प्रिंसिपल्स। समाज नू, समाज ने सुचारू ढंग नाल चलाने दे लई कुछ मौलिक सिद्धांत अपनाए, जिवें सच बोलना, ठीक काम करना ते नेक कमाई खानी। सवाल उठता है, सच की है? ठीक काम केड़ा ते नेक कमाई की है? एना गुलझना नू दूर करन दे लई, लोकां नू सच झूठ दा मतलब समझान दे लई, उना दे ओ सवालां दा जवाब देन दे लई वक वक धर्मां दी उत्पत्ति हुई, जिन्हां दे विच 7वीं शताब्दी दे विच इस्लाम उभरिया। मुहम्मद साहब इस्लाम दे पैगंबर सन। मन्या जांदा है कि अल्लाह ताला ने उन्हां नू ज्ञान दिता और उन्हां ने उस ज्ञान दी संरचना कीती। मुहम्मद साहब ने, जिन्हां नू असी परमात्मा दा दूत मानने हाँ, उन्हां ने परमात्मा तो मिली हुई आवाज़ दे नाल उन्हां नू जिस वेले ज्ञान दी प्राप्ति हुई 610 विच, ते उन्हां ने कुरान शरीफ दी, जो कि अज मुसलमानां दी धार्मिक किताब है, उसकी रचना की थी। मुहम्मद साहब अपने नवे विचार लेके आए, जिन्हां दे मुताबिक उन्हां दा मनना सी कि अल्लाह परमात्मा वाहेगुरु वो बड़ा दयाल है, वो सब दा ख्याल करता है, वो किसे च ऊंच नीच भेदभाव नहीं करता, और सब तो वड्डी गल है वो सब नू माफ कर देंदा है, और वो एक है, उसका कोई रूप और उसका कोई होर अनुकूल नहीं है। इस गल नू समझ ले असी अगर सिख धर्म के मूल मंत्र नू देखिए तो सानू समझ आएगा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी साहिबा ते गुरप्रसाद। अर्थात
परमात्मा एक है, वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। यही चीज़ कुरान शरीफ च लिखी है। कहन दा भाव है धर्म चाहे वख वख ने, उन्हां दी सिख्यावां जिहड़ियां ने सारियां मिलदियां जुलदियां ने। मुहम्मद साहब 610 विच जदों उन्हां नूं ज्ञान दी प्राप्ति होई ते उन्हां ने इस दा प्रचार शुरू कीता, लेकिन उस वक्त दे मक्का दे विच स्थापित धर्मां ने उन्हां दा विरोध कीता और उन्हां नूं मक्का तो निकाल दिता गया। 622 ईस्वी विच ਉਹ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਜਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 622 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੂਨਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕੈਲੰਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਜਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਮੱਕਾ ਆਏ ਔਰ ਮੱਕਾ ਦੇ ਕਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। 632 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ ਜੋ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਸਨ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਬਣੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 25% ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਏ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਸਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਿਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ।
काबा वो जगह है जिथे अब्राहम का घर है, उस तरफ जिन्या भी मस्जिद होन वो मकरब की तरफ उसकी जड़ा मिराब है उसनु स्थापित किया जाता है ताकि जेड़े भी लोग नमाज पढ़ते ने वो मकरब की तरफ मूँह करके अपने रब की तरफ मूँह करके उस नमाज नु अदा करन। मेरे पिछे तुसी मेहराब और उसके नाल मिंबर देख रहे हो, ये सीढ़ी है जिदे उत्ते खड़े होके इमाम साहब खुतबा पढ़ते ने और इत्थों ही नमाज अदा की जाती है और जड़े भी लोग इत्थे नमाज अदा करन आते ने वो इमाम साहब के पिछे पिछे उस नमाज नू अदा करते ने। दोनों तरफ तुसी छोटियां अलमारियां देखोगे, इत्थे किताबां रखी हुई ने जो मुस्लिम धर्म के नाल जुड़िया हुई ने, कुरान शरीफ के नाल जुड़िया हुई ने। इन्हां दोनों अलमारियों विच मुस्लिम धर्म दियां किताबां रखियां हुईयां ने, जिहड़ा कोई इन्हां नूं पढ़ना चाहुंदा है वह इत्थों लैके पढ़ सकता है। यह है मस्जिद का अंदर का स्वरूप। तुसी देखिया होना हर मस्जिद नूं खास तौर पर मेहराब नूं बड़े सुंदर ढंग दे नाल सजाया जाता है, क्योंकि इस मस्जिद के अंदर किसी व्यक्ति विशेष, किसी राजे, किसी तरह की कोई तस्वीर नहीं लग सकती, लेकिन इस दे विच कुरान दी आयातां ते कुरान शरीफ दी तस्वीर उसनू सजावट नाल लिख के उस दे खुशखत नू सजाया जा सकता है अते उस दी तस्वीर नू लगाया जा सकता है। इस दे इलावा किसी प्रकार दी मूर्ति जेड़ी है या किसी प्रकार दी तस्वीर जेड़ी है ऐसे लगाना निषेध है। जान मोहम्मद मस्जिद दे इमाम साहब मोहम्मद ईसा सर, मैं आओ इन्हां कोलों जानकारी लईए इस मस्जिद बारे। सर यह किन्नी कु पुरानी मस्जिद हैगी? ये लगभग अमृतसर की जो मस्जिद हैं उनसे बहुत ज़्यादा सबसे पहली मस्जिद है, ये पुरानी। अमृतसर में कितनी की मस्जिदें हैं? तकरीबन 40-50 मस्जिद आबाद हैं। और सर ये सबसे पुरानी या? सबसे पुरानी मस्जिद है ये। आप कब आए थे यहाँ? यहाँ मैं 1974 में हूँ, पंजाब वक्फ बोर्ड का पहला इमाम हूँ जो मैं यहाँ आया हूँ। तो सर इमाम का मुख्य कार्य क्या होता है? इमाम जो है पेशवा होता है मुसलमानों का जो नमाज पढ़ाता है। और सर अजान क्या होता है? अजान के मायने हैं कि लोगों को बुलाना कि नमाज के लिए अजान हो रही है, आ जाओ नमाज पढ़ लो। तो सर नमाज कितनी बार पढ़ी जाती है दिन में? दिन में 5 वक्त की नमाज होती है। तो सर शिया धर्म में कुछ अलग है नमाज 3 तरह? हाँ उनकी कुछ अलग है लेकिन हमारी अलहदा है, चूँकि हमारा जो मसलक है वो हनफी मसलक है। अच्छा। जी तो सर नमाज में जब यहाँ पे लोग आते हैं? हाँ लोग आते हैं, मस्जिद फुल भर जाती है, जुमे की नमाज होती है, पुरानी मस्जिद है। हाँ ये ज़रूर है कि मस्जिद जो दूसरी मस्जिदों से ये छोटी है लेकिन उम्र में ज़्यादा बड़ी है। सर वाह बहुत अच्छा कहा आपने, भाई उम्र में बड़ी है, सबसे बड़ी है चाहे जगह में छोटी है लेकिन सर बड़ी खूबसूरत है। तो सर रख रखाव भी आप इसी का करते हैं? हाँ इसका पंजाब वक्फ बोर्ड करता है, बाकी उसके बाद में मैं करता हूँ इसका।
असी इस वक्त मस्जिद सिकंदर खान दे विच खड़े हाँ। यह मस्जिद रमाडा होटल दे बिल्कुल ऑपोजिट और गोल हकटी चौंक दे विच स्थापित है। बड़ी पुरानी मस्जिद, हाल गेट दे अंदर दूसरे नंबर ते छोटी मस्जिद, और मेरे पीछे तुसी देख रहे होगे मेहराब और मिंबार जिथे इमाम साहब बैठ के अपनी नमाज अदा करवाते हैं। असी अगे भी थोन दसिया मस्जिद की खास विशेषतावान ने। मस्जिद दे विच लोग आके अमीर गरीब एक कतार दे विच खड़े होके नमाज अदा करते हैं, और नमाज ओही पढ़ सकता है जो नमाज का ज्ञाता होए, जिसने इसकी पूरी जानकारी ली होए। हर मस्जिद दे विच कोई वड्डी है कोई छोटी है, और इस मस्जिद नू देखिए तो बड़ी साधारण लेकिन फिर भी बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद का मुख्य उद्देश तो उही है कि परमात्मा दे घर जा के, परमात्मा दे द्वार जा के, अल्लाह दे दरबार जा के, अल्लाह वल मुख करके, क्योंकि जेड़ी मेहराब है वह हमेशा काबे वल नू हुंदी है। उस इब्राहिम नू याद करना, अल्लाह नू याद करना और उसके लिए इबादत करना। सो यह दूसरी मस्जिद सी जेड़ी साढ़े अमृतसर दे विच एक इतिहासिक धरोहर है। मैं इस वक्त मस्जिद खैरुद्दीन दे विच खड़ा हाँ। मेरे पिछे मेहराब ते मिंबार देख सकते हो। इसकी नकाशी एक वक्रे ढंग नाल कीती गई है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और इसके गुंबज तुसी देख सकते हो वो बड़े साधारण ने। हर मस्जिद का अपनी रूपरेखा है, अपना रख रखाव है। ये मस्जिद हाल बाजार के मध्य विच स्थित है और सब तो वड्डी मस्जिद है। इत्थे हज़ारां दी तादाद विच लोग जुम्मे दे दिन नमाज़ पढ़न आते हैं। इस मस्जिद ने जिस वक्त 1919 13 अप्रैल 1919 गोलीकांड होया, बड़ा महत्वपूर्ण रोल किया, अदा किया, क्योंकि जेड़े जख्मी लोग सन और जेड़ियां लाशां सन वो इत्थे लिया के रखियां गईयां सी प्रांगण दे विच, और उन्हां दा उपचार किया गया। जिस वक्त पार्टीशन हुई उस वक्त यह मस्जिद जेड़ी है एदे ते आम लोगों ने अपना कब्जा कर लिया। बड़ी खूबसूरत, और इत्थे लोग मुसलमान जेड़े ने वो आंदे ने और नमाज पढ़ते ने, और इस मस्जिद का बड़ा महत्व रहा इतिहास दे विच। मस्जिद दे विच इमाम साहब धर्म दे इलावा राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक अते होर भी गल्लां लोकां दे नाल सांझियां करदे ने। मस्जिद दा धर्म दे नाल नाल एक होर बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, ऐ बच्चियां नूं सिक्ख्या प्रदान करदे ने, और ए सिक्ख्या अरबी फारसी दे इलावा इत्थे पता कीता गया अंग्रेज़ी, इतिहास, मैथमैटिक्स, होर भी जिहड़े ज्ञान ने
होर भी विषय जड़े ने वह पढ़ाए जाते हैं ताकि बच्चे दक्ष होन और अगे जा के नौकरियां प्राप्त कर सकन। सो मस्जिद जड़ी है यह लोगों के लिए जोड़े बाहरों आते हैं उन्होंने लिए आरामगाह भी है, उन्होंने सहारा भी दिंदी है, गरीबों की मदद भी करती है, रोटी भी खवाती है और इस दे नाल नाल पढ़ाई का काम भी करती है। अज असी तुहानू तीन महत्वपूर्ण अमृतसर च स्थापित मस्जिदों के बारे जानकारी दिती, मस्जिद जान मुहम्मद, मस्जिद सिकंदर खां ते मस्जिद खैरुद्दीन। मैनू आशा है तुहानू साडा प्रोग्राम पसंद आया होएगा। इस दे नाल ही मैनू ते मेरे कैमरामैन राकेश कुमार नू इजाजत दिओ, फिर मिलांगे एक होर नवा लड़ीवार प्रोग्राम लैके इतिहासिक अमृतसर।